तो दोस्तों फाइनली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है। अगर आपको पता नहीं कि गिफ्ट क्या होता है इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गिफ्ट का ऑप्शन वो होता है कि आपका रील अगर कोई देखेगा, अगर आप रील डालते हैं तो वहाँ पे आपको गिफ्ट के तौर पर आपका जो ऑडियंस है, आपको जो देखने वाले लोग हैं, आपको कुछ पैसा दे सकता है और वो पैसा आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलता है। इंस्टाग्राम देता है $100 कंप्लीट होने के बाद। तो गिफ्ट का ऑप्शन मुझे मिल चुका है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि गिफ्ट का ऑप्शन किस तरीके से सेटअप किया जाता है, यानी गिफ्ट का ऑप्शन मिल तो गया है लेकिन उसको सेटअप कैसे करेंगे, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। सेटअप करने से लेकर के उसमें बैंक अकाउंट जोड़ने तक और पैसा आने तक का सफर सारा चीज दिखाएंगे। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि ये अपडेट मांग रहा है या नहीं। तो अपडेट मेरा किया हुआ है, अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आएगा ओपन के जगह में। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, मेरा अपडेट किया हुआ है। अगर आपका नहीं रहेगा तो सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिएगा। ओपन कर लिए हैं, उसके बाद नीचे में आपको अपना प्रोफाइल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है और आपको अपना प्रोफाइल में चले जाना है। उसके बाद ये जो तीन लाइन दिख रहा है, तीन लाइन पे आपको क्लिक करना है और ये फोर प्रोफेशनल्स जो दिख रहा है उसके नीचे में आपको देखिए क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। तो क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल वाला में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बहुत सारा चीज खुल जाएगा और आपको यहाँ पे गिफ्ट का ऑप्शन दिखेगा। सबसे ऊपर में गिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल है स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट्स, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको चालू करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट्स इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसको सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा रिलोड लेगा और यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको जो आपका पैन कार्ड में नाम है सेम वही नाम यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नाम यहाँ पे डालना है, लास्ट नाम यहाँ पे डालना है और जो पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। तो मेरा कंट्री क्या है, इंडिया, हम इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये सब डाल के उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सारा चीज डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये रिलोड लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपका नहीं रहेगा तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बिजनेस टाइप, तो बिजनेस टाइप में आपको जाना है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा ये रिलोड लेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नाम मेरा डाला हुआ है, मिडिल नाम मेरा कुछ नहीं है। अगर मिडिल नाम आपका रहेगा, यानी जैसे कि राज किशोर शर्मा, तो राज किशोर शर्मा यहाँ पे डालना है। तो मिडिल नाम मेरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। लास्ट नाम मेरा डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस डालना है, यहाँ पे सिटी डालना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, आप किस स्टेट से आते हैं। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार डाल दिए हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है अपना, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी वो वाला नहीं डालना है जो आपका जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई सा भी यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन नंबर डालना है। पिन नंबर डालने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है इस पे कुछ नहीं डालना है आपको, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये सब डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिलोड लेगा। रिलोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि चूज योर लाइक टू गेट पेड, यानी हमको पैसा क्या चीज में चाहिए इंस्टाग्राम से। तो यहाँ पे आपको देखिए तीन ऑप्शन मिलता है, एक बैंक ट्रांसफर, दूसरा है वायर ट्रांसफर, तीसरा है लिंक योर पेपल अकाउंट। तो पेपल भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद बैंक ट्रांसफर भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करना है। देखिए बैंक ट्रांसफर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको $25 जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको दे देगा और 2 से 3 दिन में जो कि दे देता है। लेकिन ये आप अगर वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको जो कि देगा $100 कंप्लीट होने के बाद। तो वायर ट्रांसफर बेटर रहेगा, इसमें पैसा वैसा लग सकने का कोई झोल नहीं रहता है। अगर आप बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पे वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करेंगे और वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए बैंक कंट्री मेरा किस देश में अकाउंट है, तो इंडिया में है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नाम डालना है, आपको अपना बैंक का स्विफ्ट कोड डालना है। आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे निकाला जाता है, पता चल जाएगा आपको। गूगल में सर्च कीजिएगा, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विफ्ट कोड यहाँ डाल दीजिएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, ठीक है। सारा चीज डालने के बाद उसके बाद आपको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। तो चलिए डाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स डाल दिया है, उसके बाद हम लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ये रिलोड लेगा। रिलोड लेने के बाद हमारा बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपके सामने एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे आपको नीचे में एड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा ये रिलोड लेगा और ये लास्ट काम बचा हुआ है, इसको जरूरी है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं भरिएगा तो आप
इंस्टाग्राम से पेमेंट नहीं ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा जो है कि नीचे कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे अलाउ करना है। आपके सामने टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आ जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फुल नाम यहाँ तेजपाल राणा डाला हुआ है, उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि ऑलरेडी पैन कार्ड नंबर यहाँ पे ले लेता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे और आपको कुछ छूना तक नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो फिलहाल पे एड्रेस डालना नहीं है, डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे कंट्री डाला हुआ है, यहाँ एड्रेस लाइन टू ये ऑप्शनल है, नहीं डालना है, सिटी स्टेट डाला हुआ है, जीप कोड यानी पिन कोड डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और हमारा परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये भी ओके है मेरा, उसके बाद उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको 0% वाला पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, उसके बाद आई सर्टिफाइड वाला में ये बॉक्स को ओके कर देना है, और सिग्नेचर यहाँ पे मांगता है, यानी सिग्नेचर में आपको अपना फुल नाम डालना है, तेजपाल राणा मेरा नाम है, यहाँ पे आपको सिंपली तेजपाल राणा लिख देना है, उसके बाद ये बॉक्स पे टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये जो डेट दिखा रहा है आज का डेट दिखा रहा है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिलोड लेगा, रिलोड लेने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, टैक्स फॉर्म जो सब अभी आप भरे हैं, नाम, कंट्री, एड्रेस, जो भी आपका जो है कि कंट्री वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको जो है कि यहाँ देखिए सारा चीज़ ओके है मेरा सब, ठीक है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए सबमिट फॉर्म, तो सबमिट फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा, तो फिलहाल ये थोड़ा सा रिलोड ले रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट, यानी मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है, और डन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिलोड लेगा, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है यू कैन नाउ अर्न मनी फ्रॉम गिफ्ट्स, अब आप गिफ्ट से कमा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको डन पे क्लिक कर देंगे, और डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ गिफ्ट्स ऑन रील, यानी मेरा जितना भी रील है, पहले वाला भी रील में मेरा चालू हो गया है, और अभी वाला भी रील में चालू हो गया है, आपको एक एक रील में जाके चालू नहीं करना है, यहाँ से ये ऑफ कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और यहीं से ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, मेरा चालू हो चुका है, और आपकी जितनी कमाई होगी यहाँ पे आपको शो करेगा अप्रोक्सीमेट अर्निंग, ठीक है, अभी 0.00 डॉलर है, डॉलर में ही शो करता है, ठीक है, तो अभी मेरा एक भी यहाँ पे अर्निंग नहीं हुआ है, जब अर्निंग हो जाएगा $100 तो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और ये नीचे में जो आपको पे आउट अकाउंट दिख रहा है, यहाँ से आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, बाद में मन होगा तो आपका चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, सारा चीज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में गिफ्ट का ऑप्शन किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, अगर आपको भी गिफ्ट का ऑप्शन मिला हुआ है तो आप इसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं उसे सॉल्व करूंगा, तो मिलते हैं हम आपसे फिर इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वाले वीडियो के साथ, और वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।